कल भी रहूँगा। आपने रामचरितमानस का वृतांत तो कई बार सुना होगा, परंतु प्रश्न यह है कि सतयुग के दैनिक भत्ते यात्रा भत्ते का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इसलिए गुरु ब्रह्मा के आदेश पर आज रामचरितमानस के पास अपने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले हैं। इस युग के लेखाधिकारी श्री चित्रगुप्त इन सभी पात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सर्वप्रथम महाराज विभीषण अपने पे प्रोडक्शन की समस्या लेकर चित्रगुप्त से मिलने वाले हैं। इतना काम है, 2500 टीए बिल पड़े हुए हैं, कब तक होंगे ये क्लियर? और ऊपर से सतयुग से वीआईपीज आ रहे हैं, उनके केसेस भी सॉल्व करने हैं। हे भगवान, क्या होगा मेरा? महाराज विभीषण पधार रहे हैं। महाराज विभीषण की जय हो। आयुष्मान भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए महाराज विभीषण पधारिए। जय श्री राम। और बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, मुझे राम राज्य से राम राज्य में आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक पे प्रोटेक्शन नहीं लगा है, जबकि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में तो पे प्रोटेक्शन लगता है। ऐसी क्या बात है, अभी देख लेते हैं आपका काम। अच्छा, आपका एप्लीकेशन तो पड़ा हुआ है। ओहो, इसमें तो गलती है। आपका पे प्रोटेक्शन तो तभी हो सकता है जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो और आपका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लगे, पर आपने तो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया है, कैसे लगेगा आपका पे प्रोटेक्शन? लेकिन रूल FR-22B में प्रोबेशन पीरियड की कोई बात तो कही ही नहीं गई है। बिल्कुल उचित है महाराज, परंतु FR-22 तब लगता जब भारत सरकार से भारत सरकार में आते आप, परंतु आप तो लंका की सरकार को छोड़ के भारत सरकार में आए हैं। तो लेकिन श्रीलंका और भारत तो अखंड भारतवर्ष के ही दो हिस्से हैं महाराज, वो पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी समस्या से हेडक्वार्टर को अवगत करा दूंगा, जैसा भी होगा उचित मैं आपको अभी सूचित करता हूँ। आप जरा वेटिंग रूम में बैठिए। जय श्री राम, जय श्री राम। घर का भेदी लटका डाले, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, पे प्रोटेक्शन चाहिए इनको साल भर के अंदर। चलो यार, बोर हो गया, थोड़ा व्हाट्सएप कर देता हूँ। क्या सारी है? अरे यार, सोलंकी का पोस्ट जो महाराज कुंकर्ण की जय हो। महाराज उनके महाराज हमारे कौन है तू? तूने क्या समझा? महाराज आप जो भी हैं, लेकिन हमारे बड़े बाबू अभी बड़े अधिकारियों के साथ वार्तालाप में लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी आ गया जो रावण के भाई कुंकर्ण को रोक सके? महाराज ये सरकारी काम है, आप सरकारी काम में दखल नहीं दे सकते हैं। कृपया आप प्रतीक्षा भवन में प्रतीक्षा करें और अपनी बारी का इंतजार करें। ठीक है। पांडे और बता, कहाँ है आजकल? कहाँ, हिमाचल? हाँ देखा यार फोटो तेरी व्हाट्सएप पे। और भाभी जी के साथ गया है क्या? ऑफिस का काम? अरे यार सरकारी काम देख, काम हो ना हो दिखना चाहिए काम हो रहा है। हाँ, अरे यहाँ तो ऐसे डीलिंग पानी चलती रहती है। और क्या चल रहा है? और बच्चे अच्छे कैसे हैं? हाँ ठीक है यार, मैं भी प्लान बनाता हूँ छुट्टी लेके। हाँ, 2 घंटे उपरांत। चल यार, काफी लंबी बात हो गई, 2 घंटे हो गए। चल रख, अब सरकारी बिल ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज रुके। अरे हट जा तू, खड़ी ओ तेरा। हाँ सर, सर बिल्कुल सर, आपका काम हो जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल सर, पहले आप ही का काम होगा। हाँ सर, अरे सर बिल्कुल ऑफिशियल काम ही हो रहा है। अरे चित्रगुप्त बहुत काम हो रहा है आजकल आपके पास। अरे महाराज कुंकर्ण क्या बताएं, देखिए सीनियर्स का फोन आता रहता है, 24/7 बिजी रहते हैं। ठीक है ठीक है, आप मेरा देखिए, मेरा प्रॉब्लम है, पिछले 6 महीने से मेरा फूडिंग बिल माफ नहीं हो पाया है। अरे ऐसा क्या, अभी देख लेते हैं आपका बिल। अरे ये क्या, आपने 54,000 रुपए का बिल एक ही डेट पे क्लेम किया हुआ है, ये कैसे पास हो सकता है? अरे मैं 6 महीने सोता हूँ,
300 रुपए प्रति भत्ता मेरे को मिलता है प्रतिदिन का, उसके हिसाब से 54,000 ये ओवर क्या होगा। परंतु महाराज 54,000 आप एक दिन में नहीं क्लेम कर सकते, भारत सरकार के नियम के अनुसार 300 रुपए प्रतिदिन के बिल लगाने पड़ेंगे आपको, ऐसे तो क्लेम नहीं पास होगा आपका। तुम जानो मैं कौन हूं, मैं रावण का भाई हूं और मैं क्या रोजी उठूंगा, जाके बिल लेकर आऊंगा और नदी करके तुम्हें दूंगा क्या। महाराज कुंभकर्ण रूल इज रूल, आप किसी के भाई हो मैं तुम्हें देख लूंगा। जरूर देख लीजिएगा। काम के नकार के भाई मन अनाज के चले आते हैं टहलने इधर। प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, प्रभु की जय हो, सीता मैया की जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो, माता सीता की जय हो। राजिए प्रभु। आयुष्मान बाबा लॉन्ग लाइफ। और प्रभु बताएं कैसे आना हुआ। मित्र चित्र को हमारी एक समस्या है, अवगत कराएं प्रभु। हमारा TADA क्लेम का क्या हुआ? देखते हो प्रभु आपकी फाइल। राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन प्रभु आपके बिल में तो समस्या है। क्या समस्या है? आपने अपने बिल में 14,000 करोड़ रुपए क्लेम कर रखे हैं, इतना बिल तो नहीं पास हो सकता। तो क्या हुआ 14,000 करोड़ कर रखे हैं तो? महाराज आप डिपुटेशन में 14 वर्ष थे, परंतु सरकारी बीमार का तो अधिकतम 5 वर्ष ही ला सकते हैं, और आपने 14 वर्ष के सारे बिल लगा दिए हैं, ये बिल तो नहीं पास होगा। परंतु हमारा मूवमेंट ऑर्डर तो 14 वर्ष का था। आपका मूवमेंट ऑर्डर 14 वर्ष का था, और इस समस्या से मैंने GM महोदय को अवगत करा दिया। और ये GM कौन है? गॉड महेश। अच्छा, ओम नमः शिवाय। एक और समस्या है हमारी मित्र। हमने लंका जाते वक्त एक पुल बनवाया था जिसकी कुल लागत 10,000 करोड़ थी, जो हमारे कुशल इंजीनियर नल और नील ने बनवाया था, उसका क्या हुआ? अभी चेक करते हैं प्रभु कंस्ट्रक्शन की फाइल। सिविल एक्सपर्ट्स, इसमें भी क्वेरी लगी हुई है प्रभु। ये दो समस्याएं, पहला तो जो आपने ब्रिज बनवाया है वो आपने अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए बनवाया है, ना कि सरकारी कार्य के लिए, तो इसका क्लेम तो आप कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, आपने कोई टेंडर तो निकाला ही नहीं, अपने ही लोगों से सारा काम करा दिया, ये तो बिल्कुल गलत कार्य है प्रभु, ऐसा बिल तो नहीं पास हो पाएगा। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दूंगा, जहां तक संभव होगा मैं प्रयास करूंगा कि आपका बिल पास हो जाए। चलिए ठीक है। हमारे रिविजन से मिलने का समय हो गया। बहुत बिजी हुआ, बहुत काम है। महाराज लक्ष्मण पधार रहे हैं, महाराज लक्ष्मण की जय हो। क्या बताऊं, भाभी उर्मी के साथ तो घूम रहा था, भाभी उर्मी ने जिद लगाए बैठा है, तुम्हें आपका TA बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? अभी देखते हैं भ्राता लक्ष्मण। अरे भ्राता, मूवमेंट ऑर्डर तो आपके नाम पे है ही नहीं, ये तो प्रभु श्री राम के नाम पे है, तो और आप साथ में लगे घूमने के लिए, ऐसे कैसे बिल पास होगा आपका? तो क्या हुआ, माता सीता का बिल आपने कैसे पास किया? अरे भ्राता, माता सीता तो श्री राम पे डिपेंडेंट है, अर्धांगिनी है उनकी, उनका बिल तो पास हो सकता है, परंतु आपको डिपेंडेंट नहीं। क्या आप नियमों से अवगत नहीं है? ये आपके कैसे कैसे नियम आपने बना के रखे हैं? भ्राता लक्ष्मण, डिपेंडेंट होने के लिए अगर आप भाई हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, और आपकी मासिक इनकम 3,500 रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए थी, पर आपके पास तो 50 महल हैं, करोड़ों रुपए की इनकम है, लाखों रुपए आप टैक्स भरते हैं, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं?
चलिए सर छोड़िए, उस में हमारा मेडिकल बिल का क्या हो गया? मेडिकल बिल में भी समस्याएं हैं भ्राता लक्ष्मण। आपने वैद्य सुसैन से इलाज कराया और वैद्य सुसैन तो CGHS के थ्रू रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे माने जाएंगे? और दूसरी चीज, वैद्य सुसैन ने आपको एक औषधि लिखी थी संजीवनी, और आप पूरा मेडिकल स्टोर मंगवा लेते। 1,00,000 रुपए की दवाएं लिखी हुई है जबकि आपके रिसिप्ट पे सिर्फ एक दवा लिखी हुई है, कैसे पास होगा ये बिल? कोई बात नहीं, मैं भाभी के लिए थोड़ा सा बिल पास कर देना। भाभी की खुशी के लिए मैं इसे हेडक्वार्टर फॉरवर्ड जरूर कर दूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये बिल पास हो पाएगा। जैसा होगा मैं आपको सूचित करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आजकल के बच्चे ट्रेनिंग के टाइम तैयारी करते रहते हैं और बाद में ऊट पटांग रूल लगाते रहते हैं। ट्रेनिंग यहाँ से नहीं करनी इनको, समझ जाएंगे धीरे धीरे। कॉल वॉल कर लिया। लंकेश रावण पधार रहे हैं। लंकेश रावण की जय हो। खुश रहो बच्चा, क्या हाल? जी सब ठीक ठाक। हट दरबार करने से हमें प्रवेश। मैं लंकेश। और लक्ष्मण क्या हाल? चोट वोट कैसे करी? ठीक है, चुप हो जा। हे राम, अच्छा अभी भी दुश्मनी? अब तो पा गया सीते को, अब किस बात की दुश्मनी? हे सीधे, देखा देखा, देखा तू सीधे को, और तलवार छोड़, तलवार छोड़, गंगे बिल, और गंगे उसका, देखता हूँ इसको, सुना है चतुर्मुख के बारे में मैंने, हे बेबी चाहत, तुमने धोखा दिया है हमारे वंश को, कुलका भेदी, मिलता हूँ तुझसे, चतुर्मुख से मिल लेता हूँ पहले, और चतुर्मुख, राक्षसेश्वर बैठिए, और बैठिए हमें, जल्दी काम कराइए हमारा। बताइए क्या समस्या है आप? पहले पैर तो रख ले अपने पैर के ऊपर। तो चतुर्गुप्त समस्या बस एक है हमारी, 3 युगों से तुमने हमारे 3 बिल लोग रखे हैं। बिल्कुल अभी चेक करते हैं। पहला बिल निकालो जरा। पहला आपका फूडिंग बिल है। फूडिंग बिल क्या दिक्कत है? आपने हर चीज 10 गुना बढ़ाकर क्लेम की है। तो मैं ये क्या दिख रहा है इधर से? ये 10 सर है, एक सर वाला आदमी एक बार खाता है, उसका एक मुंह खाता है, हमारे 10 मुंह खाते हैं। तो इसीलिए 10 × 300 ₹3,000 पर डे के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। तो लगता है आप नियमों से अवगत नहीं है भारत सरकार। तो अवगत कराओ तुम चित्रगुप्त। जो नियम में लिखा है वो 300 रुपए प्रति व्यक्ति लिखा है, न कि प्रति हेड। भले ही आपके 10 सर हो परंतु व्यक्ति तो आप एक ही है, तो आपको 300 रुपए ही मिलेंगे। सीसीएस रूल्स की अंग्रेजी वाली किताब में तो पर हेड लिखा हुआ था। वो गलत है, आप हिंदी वाली किताब को प्रेफर करें। तो क्या ये हिंदी अंग्रेजी करते रहते हो? आप हिंदुस्तान में है तो हिंदी की बुक पढ़े, वही सही मानी जाए। हम लंका से आए हैं, हमें तमिल आती। चलो कोई बात नहीं, अगले बिल पे आओ। उस बिल का क्या हुआ जिसमें हमने सीता को अपहरण करके हम ले गए थे, उसके बिल का क्या हुआ? बैठ जा राम, हर टाइम रावण रावण बोलो। ये राक्षसाधी उस बिल में भी समस्या है। उसमें क्या समस्या? सीता देख रही हो आपने, सीता का बिल भी क्लेम किया है। तो सीता तो राम पे डिपेंडेंट है, आप उनका बिल कैसे क्लेम कर सकते? अरे उस वक्त जब राम नहीं था तो वो हम पर डिपेंडेंट थी और हम उस पर डिपेंडेंट थे। राम की अर्धांगिनी है, राम की धर्म पत्नी है वो। ये तो बताया नहीं सीता तुमने कभी। चलो ये भी नहीं हो सकता फिर? नहीं। तो हमारे अगले बिल पे आओ। वो कौन सा बिल था? हाँ, हमारे पुष्पक विमान वाला बिल का क्या हुआ? लंकेश अगला बिल जो एयर ट्रेवल का है, हाँ? इसमें भी आपने नियमों का उल्लंघन किया है। उसमें कैसा उल्लंघन चित्रगुप्त? भारत सरकार नियमों के तहत अगर आप एयर इंडिया से सीता का अपहरण करने जाते और बोर्डिंग पास प्रस्तुत करते तभी आपका रिटर्न होता, परंतु आप तो अपना चार्टर्ड प्लेन पुष्पक लेकर चले।